बहुत सारे लोगों के माइंड में ये बात आती है कि दुबई मूव होके एक बार देखेंगे करियर ऑप्शंस क्या है, मगर सबसे पहले माइंड में ये बात आती है कि खर्चा कितना आएगा, और खर्चों में भी सबसे बड़ा खर्चा जो है वो होता है घर का। तो इसीलिए कोशिश ये है कि आज आपको ये दिखाया जाए कि मेरी दीदी, जिन्होंने पिछली वीडियो में आप मिल भी चुके हैं, वो टीचर हैं यहाँ पे और उनके हस्बैंड रियल एस्टेट में ही काम करते हैं, उन्होंने एक घर खरीदा रिसेंटली दुबई से थोड़ी सी बाहर निकल के। तो वो हम देखने जा रहे हैं कि कितने का है, और ये भी जानेंगे कि वो घर कैसा है, फुल्ली फर्निश्ड उनको मिला है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि घर के अंदर, घर के अलावा कितने खर्चे आते हैं रेगुलर मेंटेनेंस और लिविंग एक्सपेंसेस के हिसाब से। तो यही आज की वीडियो है, ज़रा देखते हैं और मस्ती लेते हुए जाते हैं, मिलते हैं लोगों से और गिर्दो नवाह के जो एरिया हैं उन पर नज़र मारते हैं। अब दुबई का जो मेन जहाँ पे बसा हुआ है ना, वो तो सारा जो समुद्री इलाका है या जो बे का इलाका है गल्फ का, उसके आसपास पानी के आसपास है, मगर हम जा रहे हैं उसके थोड़ी सी साउथ में कि भैया आप जब चौड़ा शहर से बाहर की तरफ निकलते हैं तो घर बड़े और ज़मीन सस्ती होती जाती है, ऑलमोस्ट हर बड़े शहर का यही कॉन्सेप्ट होता है। तो हम भी जा रहे हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, यहाँ पर थोड़ा डेजर्ट की तरफ, और वहाँ पर द मैक करके बिल्डर हैं जिन्होंने ये पूरी सोसाइटी बनाई हुई है। रास्ते में वैसे अभी तक तो हम आ गए हैं ऑलमोस्ट आधे रास्ते, ऐसा नहीं लग रहा कि रेगिस्तान में ही है, बिल्डिंग वगैरह सारी आसपास बनी हुई हैं। दो मेन बिल्डर हैं यहाँ पे, जो एक तो MR है और एक डमैक है। तो डमैक की ये प्रॉपर्टी है डमैक हिल्स, जिसके अंदर हम नज़र मारने जा रहे हैं। और 43 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है दुबई से बाहर, मगर यहाँ 43 किलोमीटर ट्रैफिक ना हो, हाईवे अच्छे तो बड़े जल्दी हो जाते हैं, बट अभी हम 17-18 किलोमीटर आ चुके हैं और अभी भी यहाँ पे सोसाइटीज़ वगैरह सारी काफ़ी सारी बनी हुई हैं, विलाज भी बने हुए हैं, तो लग नहीं रहा कि शहर के बाहर आ गए टेक्निकली स्पीकिंग। अब जी 10 किलोमीटर रह गए हमारे डेस्टिनेशन को, और जो है डेजर्ट अपना फुल स्विंग में आ गया, सारे देखने लग गए हैं, मगर यहाँ फेंसिंग करी हुई है हर जगह जहाँ मैं देख रहा हूँ, सारे जहाँ पे भी डेजर्ट की एंट्री है सड़क से निकलने के लिए। वजह क्या है एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है अभी, बट 10 किलोमीटर के अंदर हम पहुँच जाएंगे। अरे ऊंट का साइन, वी माइट गेट कैमल हेयर, कनाडा में हिरन का साइन होता है, यहाँ पे ऊंट का साइन है, आई वॉन्ट टू सी कैमल। ओके, सोसाइटीज शुरू हो गई हैं। चेक राइट फ्रॉम द राउंडअबाउट टू स्टेट, यू कैन सी द बोर्ड ओवर देयर। ओके थैंक यू। ग्रोसरी भी अपनी बनी हुई है, अब ये शहर मतलब सरकार ही बना रही है, तो एक तरीके से आप देख लो शहर ही है ये भी। चलते ही जा रहे हैं हम, और घर भी चलते ही जा रहे हैं, अंदर जाके पता लगेगा देख के कितने लोग रह रहे हैं कि नहीं। ग्रीनरी भी अच्छी मेंटेन इन्होंने कर रखी है, जबकि यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये घास उगाना है, यहाँ पे सरकार को बहुत मेहनत करनी पड़ती है रेगिस्तान के अंदर घास उगाने के लिए, अलग से जो सॉइल आता है फिर उसको हर टाइम पानी देना, पानी की भी आपको पता है यहाँ पे इन एरिया में थोड़ी सी किल्लत और परेशानी रहती है। कई घरों में कोई दिख रहा है लोग रहने लग गए हैं, बट ओवरऑल ये बहुत ही बड़ी सोसाइटी है, क्लस्टर बने हुए हैं 1-2-3-4 करके, किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से ऊपर हो गया हमें चलते हुए, और घरों के साइज़ भी अच्छे ही लग रहे हैं अभी तक तो आ ही जा रहे हैं, हमारा थोड़ी सी आगे है जहाँ हमने जाना है अभी। लगता है ये जगह एकदम ब्रांड न्यू बन रही है ये, क्योंकि पड़ोसियों के यहाँ तो अभी भी पेंट ही चल रहा है, तो मगर
फिर भी बहुत सारे लोग यहाँ मूव भी हो गए क्योंकि इन सारे घरों में तो गाड़ियाँ दिख रही हैं, ऑल द हाउसेज ऑन दिस साइड प्रॉब्ली लाइन में चल रहे होंगे। खैर अभी अंदर चलते हैं, दीदी से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, जो अपनी सवाल जवाब करें। ये सारा फर्नीचर दीदी साथ में ना था? Everything. I haven't done anything yet. अच्छा, मतलब कुछ भी नहीं लाया? Nothing. Even the TV and everything was TV, curtain. And that clock? Absolutely, yes. Wow. Yeah. The wall clock as well. We just need to put cells, but yeah. Everything you see here. Wow. Show pieces, all of this. All the decorations and everything as Absolutely. Well. Absolutely. We just got it actually last week. Achha, really? Pichle hafte hi mila hi. Yeah. Abhi to us pe bhi label lage hue hain. In pe bhi. Oh, that's the kitchen? Oh, you want to see that first? Let's go upstairs first. Yeah, let's. Oh wow. So that's one of the rooms. This one has a small balcony. Beautiful. Wow. And look at the details. And the table lamps also, everything. You just bring your bag. You won't believe, even cushions. Wow. We still have some extra in the cupboard. Oh nice. दो बेडरूम का जी ये घर है बस, अब बाकी जो इसका दूसरा रूम है उस पर भी झलक मार लेते हैं एक बार। मगर सारी छोटी छोटी चीज़ों ने डाल के दी हैं, बहुत बढ़िया है। ये तो पीछे मेरे को लग रहा है रेगिस्तानी मिट्टी है, इस पर लैंडस्केपिंग करानी हो तो आपको सॉइल अपना वगैरह डाल के करना पड़ेगा। सो लोगों ने तो एक्चुअली कारपेट जो आर्टिफिशियल बिछाने वाला होता है ना, कैनेडा में भी ये बड़े कॉमन है, वो भी बिछा रखे हैं कई लोगों ने। तो क्या ग्रीनरी, पूरी घास वास भी उगा ही रखी है भाई साहब। गुड साइजेस bedroom because I think it has a bigger terrace. Yeah. Yeah. Wow. But both rooms have ensuite bathrooms. Oh, and big balcony over there. Yeah. I think it's bigger than the room actually. Look like, oh yeah. And it's really, really spacious. Super nice. डबल सीलिंग वाली एंट्रेंस हो ना, इससे थोड़ा सा घर वैसे भी ज़्यादा स्पेशियस लगता है। एंड किचन, ऑब्वियसली मम्मी का फेवरेट एरिया। सो द वुडवर्क वाज ऑल डन, वी हैव अ फ्यू ऑफ द वाइट गुड्स हियर, द रेफ्रिजरेटर इंक्लूडेड, ओवन, हब, ओनली द डिशवॉशर इजंट, यू वोंट बिलीव, बट वी आल्सो हैव क्रॉकरी, कटलरी, टेबल मैट्स, हैं ऑल ऑफ देम इंक्लूडेड इन द कॉस्ट। सो एवरीथिंग वाज इन दिस closet, so yeah, we still have glasses and everything. Amazing. Wow. पिछली वीडियो में आपसे तो हमने कोई बात ही नहीं करी, बाकी इस वीडियो में आपकी एक्सपर्टीज से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए रियल एस्टेट वाली। थैंक यू, आई एम डेफिनेटली देयर टू हेल्प यू गाइस। पर पहले शुरुआत जो है ये इसकी इन्फॉर्मेशन से करते हैं, मगर पहले आप बैठ को पानी आते ही घेर लिया। भैया अभी तो पहले तो दुबई की रियल एस्टेट पे बाद में आते हैं, बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क द क्वेश्चन अबाउट दिस प्रॉपर्टी। आपको ये लिए हुए या इसको बुक कराए हुए कितना टाइम हो गया? अप्रॉक्सीमेटली 2-3 महीने पहले मैंने अपनी रिसर्च शुरू करी थी। अच्छा, जब आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ वैल्यू डील इन द मार्केट फॉर विलाज एंड टाउन हाउस, बिकॉज आफ्टर कोरोना सडनली द सर्ज ऑफ लैंड्स, विलाज एंड टाउन हाउसेज हैव इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे भी रेट बढ़ गया, इंडिया में तो बहुत एकदम से पता नहीं क्या हो गया, दिल्ली फरीदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल। सो यू वांट टू वेरीफाई इट मोर, देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड दुबई लैंड डिपार्टमेंट, वहाँ पे आप डेली ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर सकते हो। अच्छा, सो द गवर्नमेंट एंटिटी विच रजिस्टर्स द प्रॉपर्टी ऑन योर नेम, राइट, दे पब्लिश द डेटा ऑन अ डेली, मंथली, वीकली बेसिस, दे हैव न्यूज़लेटर्स एज वेल। सो आप जाके देख सकते हो कि किसी पर्टिकुलर डे के अंदर
कितनी ट्रांजैक्शंस दुबई के अंदर हुई है। तो आपने ये एक महीने पहले ही बुक कराया लिया है? दो महीने कह सकते हैं आप। तो मतलब जब आपने लिया तो ये बन चुका था पूरा? जी जी जी। सो अच्छा। ये रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी थी, इट वाज सोल्ड द वे इट इज लाइक द वे यू सी। ओके, ऑलराइट ऑलराइट। एंड वुड यू माइंड शेयरिंग हाउ मच यू बॉट इट फॉर? सो अप्रोक्सीमेटली मैंने इसकी जो प्राइसिंग जो मैंने पे करी है वो अप्रोक्सीमेटली 1.1 मिलियन के आसपास है। okay. अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं मैं इसको और मैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 20 लेके चलता हूं तो वी आर टॉकिंग अबाउट रफली अराउंड 2.2 crore। अब यहां पे ये होम लोन का कैसे है? कनाडा में काफी कम है, इंडिया में थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में ज्यादा है, यहां पे किस हिसाब से होता है क्योंकि आप दोनों रेजिडेंट हो, बैंक अकाउंट यहां है? जी जी। तो इंडिया के अंदर कंपेयर अगर हम यहां पे करें तो यहां पे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अ लोन इज मच चीपर। ओके, द रीजन इज क्योंकि अगर आप यहाँ पे अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो यू डोंट गेट दैट काइंड ऑफ सेविंग परसेंटेज एज वेल, जो एफडी पे रेट भी नहीं है ना। करेक्ट, यहाँ पे मुश्किल से 1-2% का इंटरेस्ट मिलता है, अगर मिलता है तो आपके पैसे के ऊपर जो बैंक में पड़ा है, और आपकी बोरोइंग कॉस्ट भी कंपेरेटिवली बहुत चीपर है, आपको 2-3% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल एंड योर क्रेडिट हिस्ट्री यू गेट दैट। सो इफ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई यू गेट द चीपेस्ट रेट्स, इफ यू आर वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर यू गेट कंपैरेटिवली अ लिटिल बेटर। अब जैसे दुबई में हम 40 किलोमीटर दूर हैं अभी सेंटर से तो ये रेट है, अब मैं कहता हूँ मैं 20 या 25 किलोमीटर दुबई की तरफ चला जाता हूँ, सिर्फ 10 किलोमीटर के रेडियस में आ जाता हूँ दुबई के, वहाँ पे अगर ऐसी प्रॉपर्टी लेनी हो वो कितने की मिलेगी? सो अगर आप बुर्ज खलीफा को दुबई का एपी सेंटर लेके चलते हैं, दैट इज द सेंटर वेयर यू कैलकुलेट ऑल द रेडियस, ठीक है, अगर आप उसके जितने पास हैं यू आर लिविंग इन द मोस्ट एक्सपेंसिव एरियाज, ठीक है, करेक्ट। सो इफ आई टेक द सेम साइज, लेट्स से 1400-1500 का स्क्वायर फीट का ये प्लॉट साइज है और करीब 1900 के आसपास का बिल्ट अप एरिया है ग्राउंड प्लस वन का, ठीक है, अगर मैं सेम लेआउट और सेम साइज यहां से 10 किलोमीटर अंदर जाता हूं मेरी प्राइसिंग नियरली 30-35% अप हो जाएगी। ओके, इस साइज तो नहीं बट इससे 3 गुना साइज की प्रॉपर्टी अप्रोक्सीमेटली 14 मिलियन की प्राइस ब्रैकेट में बिक रही है, इंडियन करेंसी वी आर टॉकिंग नियरली 28 crore, 28 करोड़ की प्रॉपर्टी जी, एंड दैट्स अ 4-bedroom विला ओनली। और वो कितनी दूर है बुर्ज खलीफा से? वो बुर्ज खलीफा अगर आप वहां के वहां से बाहर निकलेंगे बुर्ज खलीफा बिल्कुल आपकी आंखों के सामने। भैया ये तो चलो बात हो गई खरीदने की और वैल्यू की, अब पहले ये बताओ यहाँ पे घर मेंटेन करना, एक तो दो कंपैरिजन, आपका शारजा में 2500 स्क्वायर फीट का घर है एंड दिस वन इज लाइक 1900 ऊपर नीचे, ठीक है, अब पहले मेरे को तो ये बताओ कि जो शारजा वाला है उसका एक महीने का यहाँ पे बिजली का बिल किस हिसाब से आता है, बिजली पानी? सो आपका जो यहाँ पे बिल आता है ना वो बेसिकली वाटर इलेक्ट्रिसिटी और गैस तीनों को कंबाइन करके आता है, सो दुबई के अंदर उसको सेवा कहते हैं, शारजा इलेक्ट्रिकल वाटर अथॉरिटी दुबई में उसको देवा कहते हैं। मेरे उस वाले घर का लेट्स से अगर ऑन एन एवरेज 6-7 घंटे अगर मेरे एसी और बाकी सारे गैजेट्स चलते हैं 600-700 दिरहम। व्हेन देयर इज फैमिली इन द हाउस, जैसे मेरे इन-लॉज आते हैं या मेरे अपने पेरेंट्स आते हैं तो 24 घंटे एसी चलता है, या लेट्स से 24 की जगह 12 घंटे 14 घंटे तो चलता ही होगा, इन दैट सिचुएशन इट टचेस 1000-1200 दिरहम सपोज। ओके ओके भैया, अगर किसी को ये घर मान लो मेरे को कल रेंटल पे चाहिए हो फुल्ली फर्निश्ड बिकॉज दिस इज ऑल रेडी टू मूव इन, तो इस एरिया में रेंट क्या है? अप्रोक्सीमेटली सिमिलर घर का आपको 65,000 दिरहम एनुअली पे करना है पर ईयर। ओके, तो या पर एनम, और इसमें मैं अप्रोक्सीमेटली 6,000 दिरहम एनुअल मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ जो मुझे अपनी जेब से पे करना होगा, तो सोसाइटी की? यस। ओके, सो यू एज अ टेनेंट विल गिव मी 65,000 एनुअली, आई विल पे द सोसाइटी 6,000 दिरहम approximately annually. Okay, जो मैं पे कर रहा हूँ उसमें मेंटेनेंस इंक्लूडेड? इंक्लूडेड। अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल से रेंटल इनकम पे शायद टैक्स है ना? जी नहीं, रेंटल इनकम पे भी टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स पे नहीं है मगर रेंटल इनकम पे भी टैक्स नहीं है? जी पक्का, प्रॉपर्टी इनकम के ऊपर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है। That's nice. और अगर जो प्रॉपर्टी खरीद के उसके रेट बढ़ जाते हैं जिस जो इंडिया में भी टैक्स, देखिए दुबई के अंदर रहने का सबसे बड़ा एडवांटेज इज बीइंग टैक्स फ्री। ओके, राइट, सो यू डोंट इनहेरिट टैक्सेस ऑन इनकम, यू डोंट इनहेरिट टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी सेल्स, ओके, यू डू नॉट इनहेरिट एनी सॉर्ट ऑफ टैक्सेस ऑन any transaction that you do where you make monetary gains. अच्छा, जो capital gain tax होता है वो भी नहीं है यहाँ पे? कुछ नहीं है। Okay. Look, it's a self-sustained country, right? Recently they have applied VAT on that. Okay. That's the only tax that we people pay. Okay. Apart from that, some years back there was no tax. ये भी यानी कनाडा वाला ही हिसाब किताब हो गया ना कि बंदा जब लेता है तो 2% से 2.5% के आसपास इंटरेस्ट पे पैसा बैंक से उठाएगा और चीज लेगा। बिल्कुल। और चीज को अगर रेंट पे दे दो
तो वो वैल्यू कितनी होगी 60% इसके तकरीबन 6-7% के आसपास एनुअल रिटर्न बन गया. करेक्ट. तो यानी 2% आप पे कर रहे हो और 5% मेरे को आ रहा है. और अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू भी आपकी बढ़ गई तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बैंक में पैसा रखने के बाद मुझे सिर्फ 2% का इंटरेस्ट मिलता है. हाँ, ठीक है, वो भी शायद. ओके ओके, डिपेंडिंग अपॉन बैंक टू बैंक, इट वेरीज. ओके, अगर मैं ये पैसा प्रॉपर्टी के अंदर डाल देता हूं तो मुझे 3% का रिटर्न तो मिल ही रहा है. ओके, आज मेरी बाइंग कॉस्ट कंपेटिवली कम है. और यही मैं बात करूं आज से 5 साल बाद जब मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो डेफिनेटली मेरे रेंटल्स भी इंक्रीज होंगे. ओके यार, राइट, दैट्स ट्रू. राइट, सो देयर आर सर्टेन वेबसाइट्स जिनके थ्रू आप चेक भी कर सकते हैं कि रेंटल इंडेक्स क्या है किसी पर्टिकुलर लोकेशन का. ओके, जब ये प्रॉपर्टी आज से 1 साल पहले हैंडओवर हुई थी उस समय सिमिलर प्रॉपर्टी को 40,000 में रेंट आउट कर सकते थे. ओके, बट इट वॉज मोर डेजर्टेड. अब जैसे जैसे बसावट आ रही है यहाँ पे, लोग आने शुरू हो गए हैं, यहाँ पे रेंटल वैल्यूज भी इंक्रीज हो रही है. मेरे को नहीं पता था जब भैया दीदी ने पिछली बार बोला ना कि द कार्स दैट वी कैन अफोर्ड हेयर इट विल बी डिफिकल्ट टू अफोर्ड इन इंडिया, तो मुझे नहीं पता था कि एएमजी की बात हो रही है. ई क्लास की क्या बात है. नहीं नहीं नहीं, यू हैड मनी, वी आल्सो हैड अ जगुआर वंस. है, यू हैड अ जगुआर, कौन सी वाली? एक्सएफ. वाह, अरे वाह, ये चौथी गाड़ी है. फोर्थ कार. सो व्हेन आई केम आई इनिशियली टुक अ जगुआर. ओके, आई ड्रोव इट फॉर अराउंड 7 to 8 months. अच्छा, देन सोल्ड इट ऑफ एंड देन इवेंचुअली बॉट अ वॉक्सवैगन सीसी, दैट्स अ स्पोर्ट्स वर्जन. ओके, एंड दिस इज मर्सिडीज E300 व्हिच आई रिसेंटली गॉट. क्या बात है, और ये एएमजी है? ये एएमजी सीरीज है. एएमजी मतलब अंदर स्पोर्ट्स लाइनिंग होती है ना. एब्सोल्युटली, एक बार दर्शन तो करा दो. मैंने कभी एएमजी सीरीज अंदर से नहीं देखी कैसी होती है. भैया ये कितने की ली है आपने? और कितने की? ये करीब 2016 मॉडल है. ये करीब 80,000 किलोमीटर चली हुई थी. अच्छा. इंडियन करेंसी में अराउंड 22 लाख रुपीस इज द कॉस्ट. अच्छा, ओके. और अगर हम बात करते हैं जो आपने पहले जैगुआर ली थी. जगुआर तो मैंने 20,000 दिरहम की ली थी. अच्छा, ओके. एंड आई ड्रोव इट फॉर अराउंड गुड 9-10 मंथ्स. अच्छा, इट वाज अ ब्यूटीफुल कार एज वेल, बट देन इवेंचुअली आई सोल्ड इट एज वेल. ठीक है, तो मतलब दुबई में एटलीस्ट ये है कि सेकंड हैंड गाड़ियां आराम से अच्छी कंडीशन मिल जाती है. आप अपना बजट बताओ, आपको बजट में गाड़ी का मॉडल, गाड़ी की शेप, गाड़ी का ब्रांड सब फिट हो जाएगा. अच्छा, ठीक है.